Hello friends, how are you? In our last class, we discussed about the fossils. And one thing, let me clear you, where fossils is a very important, or you can say that, hot topic of exams. Normally, the teacher try to ask the question related with the fossils. Okay? One more. Very important question considering our exam, that is vestigial organs. Vestigial organs. Got it? The question generally asks that what do you mean by vestigial organs? Vestigial organs se aap kya samajhte hain? Those organs which are present in the body of organism. वो ऑर्गन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं बट डू नॉट हैव एनी यूज, लेकिन उनका कोई यूज नहीं होता, जिनका कोई यूज नहीं होता, दैट आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, सम ऑर्गन्स विच प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, विच प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म but do not have any use, but do not have any use are called vestigial organs. उन्हें क्या कहा जाता है? Vestigial organs. Got it? One more definition we can say that those organs which do not have any function, do not have any function and appear as a residual part of body. ऐसे ऑर्गन जिनका कोई फंक्शन नहीं होता और रेसिड्यूअल अवशेष के तौर पर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. रेसिड्यूअल किसके? एंसेस्टर्स की, जो हमारे एंसेस्टर्स है जिनसे हम डेवलप हुए हैं, उनसे हमें मिले हैं. मे बी पॉसिबल उनके लिए वो यूजफुल थे, लेकिन हमारे लिए आज वो यूजफुल नहीं है. तो हमारे लिए क्या हो गया? वो एक तरीके से रेसिड्यूअल पार्ट या रेसिड्यूअल ऑर्गन from past ancestors are called vestigial organs. So we can say that, simple बोल सकते हैं अपन, useless organs of organism. किसी भी organism की body में पाए जाने वाले जो useless organs हैं, जिनका कोई use नहीं है, that are called vestigial organs. उन्हें क्या कहा जाता है? Vestigial organs. जैसे for example अपन बात करें, human beings के अंदर अपन बात करें, in our body more than 100, if I am correct, 118 elements. Sorry, not one, that is chemistry element. I think 116. I'm not sure about the 116, but I am sure that more than 100. ऑर्गन्स आर वेस्टिजियल. हमारी बॉडी में 100 से ऊपर ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर हैं. जैसे सबसे पहले एग्जांपल पे बात करें, दैट इज विजडम टीथ, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं अकल जाड़, दैट वन, लास्ट वाले. ये हमारी बॉडी में कोई काम के नहीं, क्योंकि हमारा फूड का जो चौ चर्ण करने का प्रोसेस है वो इनसाइडर, अपन माउथ को सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे. हमारे जो आगे वाले जो टीथ हैं ये कहलाते हैं इनसाइडर्स, फिर आते हैं कैनाइन और फिर आते हैं मोलर्स, प्री मोलर्स, वो ही इसमें यूज होते हैं. तो ये हमारे लिए एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन है. सेकेंड, जिसके बारे में आप जानते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारी बॉडी में कोई यूज की नहीं है. थर्ड, बॉडी हेयर्स. एक फालतू का खर्चा ही है, कोई यूज के नहीं है. एंशियंट टाइम पर ये यूज खुलते हैं, जो हम क्लोथ्स वगैरह का हमने डेवलपमेंट नहीं किया था, तो जो हेयर्स हैं ये हमारी बॉडी को जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जैसे विंटर है या डस्ट स्टॉर्म्स है उनसे बचाने का काम करते थे, लेकिन अब हमारे पास इनकी कोई जरूरत नहीं है. इसके अलावा ईयर मसल्स,
अंदर की साइड में जी, जो अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ईयर की मूवमेंट में यूज होती है, जैसे आपने डॉग को देखा होगा, लेकिन हमारे अंदर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो आउटर ईयर जिसको अपन पिन्ना बोलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बन चुकी है कि हमें ईयर का मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है साउंड को कैप्चर करने के लिए। तो अब ये हमारे लिए क्या है, दैट इज यूजलेस ऑर्गन, काम में नहीं आता। कुछ लोग जरूर इसका यूज करते हैं, अपने कानों में हल्का सा मूवमेंट क्रिएट कर पाते हैं, वो एक रेयर केस है। अदरवाइज ये मसल्स हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। गॉट इट, अंडरस्टैंड? सो दैट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स व्हिच कैन आस्क इन आवर एग्जाम्स। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक जो यहां पर वर्ड है ये केमिस्ट्री वर्ड नहीं है, यहां पर ऑर्गेनिक का मीन्स पर्टिकुलरली अपन बात करें तो दैट इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक का मीन्स यहां पर किससे लिया गया है, ऑर्गेनिज्म, एंड इवोल्यूशन दैट मीन्स डेवलपमेंट। तो जो ऑर्गेनिज्म्स का डेवलपमेंट है, ऑर्गेनिज्म्स का मीन्स जो एक सिंगल, जो सबसे पहले जो सिंगल प्रोकैरियोट, सिंगल जो बैक्टीरियल सेल डेवलप हुई थी प्रिमिटिव, जो सबसे पहला हमारा कॉमन एंसेस्टर जो है, कॉमन एंसेस्टर, इससे आज के टाइम पर जो मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो हैं, उनका ये जो डेवलपमेंट है उसके लिए वर्ड काम में लिया गया है, दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। गॉट इट? सो इफ यू कंसिडर द डेफिनेशन देन वी कैन से दैट इट इज द सिक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल ग्रेजुअल इररिवर्सिबल चेंजेस। इट इज दैट सिक्वेंस ऑफ, इफ यू कंसिडर द डेफिनेशन देन वी कैन से दैट इट इज ए सिक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब लगातार क्रमागत एक के बाद में। ऐसा तो नहीं हुआ कि फर्स्ट सेल जो है उससे सीधा ह्यूमन बींग बन गया, इससे पहले मिलियन ऑफ स्पीसीज बीच में है। तो सिक्वल ग्रेजुअल इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल रिवर्स नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि अब ह्यूमन बींग से वापस बैक्टीरियल सेल डेवलप हो, हमसे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकते हैं, दैट इज अ चांस, बट ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता। तो दैट इज ग्रेजुअल इररिवर्सिबल चेंजेस, चेंजेस विच टुक प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। किसमें हुए थे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में, ओवर द मिलियन ईयर्स इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ओवर द मिलियन ईयर्स, ओवर द मिलियन ईयर्स टू फॉर्म न्यू स्पीसीज, टू फॉर्म न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होने वाले ग्रेजुअल इररिवर्सिबल चेंजेस की सिक्वेंस जो कि मिलियन ईयर्स में हुई थी, जिससे न्यू स्पीसीज डेवलप हुई, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उसे क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलते हैं। गॉट इट? दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। इफ वी कंसिडर द सेकेंड डेफिनेशन, क्योंकि इसकी टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस यहां पे दी गई है, एज पर द आवर नॉलेज इज इंक्रीजिंग देन द डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस कम्स इन आवर कम्स ओके। सो देयर इज सीक्वेंस ऑफ डेफिनेशंस, किसी को भी आप अपनी टर्म के हिसाब से यूज कर सकते हैं। बट इट सेकेंड डेफिनेशन इज द सीरीज ऑफ द
सीरीज ऑफ स्लो, द सीरीज ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस, द सीरीज ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस विच ऑकर्स इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स. वही डेफिनेशन वापस से आ जाएगी, विच ऑकर्स इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ मिलियन ईयर्स टू फॉर्म न्यू स्पीसीज, ये यहां पर एड हो जाएगा. ओके, टू फॉर्म न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. क्या बोला जाता है उसे? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. गॉट इट? अंडरस्टैंड? थर्ड, जो मॉडर्न जो डेफिनेशन अपन यूज करते हैं उसकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं. यहां पर ये जनरल डेफिनेशन है, इनके डेवलपमेंट में जो प्रिमिटिवली जो डेफिनेशन दी गई थी वो है ये, जिनमें कोई डीएनए वगैरह उसकी बात नहीं हुई थी. बट इन करंट टाइम यू नो दैट वी, हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिक जो है वो क्या है? डीएनए. जैसे एक बिल्डिंग होती है उसके अंदर आरसीसी का जो वर्कआउट होता है, जो फ्रेमवर्क होता है वो आरसीसी का होता है, बिल्कुल वैसा ही हमारी बॉडी के अंदर जो फ्रेमवर्क है दैट इज डीएनए. वो क्या है? डीएनए. ओके, और डीएनए का आप जानते हैं एक्टिव पार्ट क्या कहलाते हैं? जीन्स. तो उनको कंसिडर करते हुए ये डेफिनेशन जो दी गई थी वो बोलते हैं अपन द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ चेंज gradual and continuing process of change due to change in genes ये अपन बोल सकते हैं DNA, due to change in genes या due to change in DNA. अब सवाल आता है ये DNA में चेंज होता क्यों है? Because of the change in environment. एनवायरमेंट जो है उसके चेंज के रेस्पेक्ट में हमारी बॉडी में वेरिएशन आते हैं. तो सेकेंड आ जाएगा चेंज इन एनवायरमेंट लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. The gradual continuing process of change due to change in genes, environment, leading the formation of new species is called organic evolution. क्या बोला जाता है उसे? Organic evolution. Got it? The concept of organic evolution was firstly, given by Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन नाम के जो जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था. उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, उस बुक का नाम अपने को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है. बुक का नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, The origin of species. ये बुक का नाम है, ये अपने को याद रखना है. That is origin of species. इस बुक के अंदर उन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था. Got it? Understand? Now, इस बुक के अंदर या इस कॉन्सेप्ट में डार्विन जो है उन्होंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसके लिए अपन बोल सकते हैं पर्टिकुलरली एम्ब्रियोनिक साइंस या डेवलपमेंट, जिसको बोला जाता है एम्ब्रियोलॉजी. गॉट इट? सेकेंड,
मॉर्फोलॉजी, सेकेंड इज मॉर्फोलॉजी, थर्ड इज फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड फोर्थ फॉसिल्स एंड फिफ्थ एंड नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एटसेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपेरेटिव स्टडीज की थी। इन सभी की बेसिस पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश किया था या इसे एक्सप्लेन किया था। दैट मींस अगर अपन बोले कि इनका जो बेसिक जो था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का वो कहां से मिला था इनको, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि एक एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, एक जायगोट से एक पूरा का पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी स्टडी करना, उसकी स्टडी मतलब उसके एविडेंसेस। सेकंड मॉर्फोलॉजी, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर जो है उससे। फिजियोलॉजी, बॉडी वर्किंग कैसे करती है। फॉसिल्स, एंशिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ट्रेसेस और क्लासिफिकेशंस, इन सभी की उन्होंने एविडेंसेस लिए थे टू गिव द सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशनिज्म। जो इवोल्यूशनिज्म जो है यानी कि इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट, उसको प्रूव करने के लिए या उसके सपोर्ट के तौर पर इन्होंने यूज किए थे। Got it? Clear? Now, इसी में अब एक छोटा सा टॉपिक आता है इवोल्यूशन के सपोर्ट। हम कैसे प्रूव करें कि इवोल्यूशन होता है। We need some support. Okay? There are lots of evidences which are supporting the concept of evolutionism या concept of ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसमें सबसे जो प्रिमिटिव जो सपोर्ट आता है वो है डीएनए का। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे मल्टीसेल्यूलर हो, मेड अप बाय यूकैरियोटिक सेल्स। नाइन्थ में अपन ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, तो किसके बने होते हैं वो, मेड अप बाय यूकैरियोटिक सेल्स। और इन यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, विच रेगुलेट द फंक्शनिंग, बॉडी की जो फंक्शनिंग है, सेल्स की बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करने का वर्क करता है। गॉट इट? दैट मींस वी कैन से दैट डीएनए रेगुलेटिंग आवर बॉडी फंक्शन। इफ वी कंसिडर all the living organism, if we consider the all organisms, then DNA works in the same method, similar method में ही ये function करता है, चाहे वो unicellular organism हो चाहे multicellular organism हो, similar method के अंदर work करेगा। जो अभी अपन ने classes में अपन ने discuss किया था कि डीएनए जो है वो बनाता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन्स, और प्रोटीन से बनते हैं बाद में एंजाइम्स, अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये सेम मेथड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो अगर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो तभी तो ये सिमिलैरिटीज हमें मिल सकती हैं। आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो किस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन मान सकते हैं, इवोल्यूशन की। भाई वो एक ही एंसेस्टर से सब डेवलप हुए हैं, जिन एंसेस्टर्स में ये सीक्वेंस सब स्टार्टिंग में डेवलप हुई थी। तो इसीलिए आज हम सभी के अंदर ये इसी परफॉर्मेंस के अंदर वर्क, इसी के अंदर सारे परफॉर्मेंस यहां पर होते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट आ गया डीएनए की वर्किंग, सेकंड एग्जांपल बात करें तो एंजाइम्स वर्किंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एंजाइम्स वर्किंग सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम है ट्रिप्सिन, इट इज
प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। नाइन्थ में अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ट्रिप्सिन, इट वर्क सिमिलर, दिस एंजाइम वर्क्स सिमिलर इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जितने भी काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, उन सभी में सिमिलर वे के अंदर ये वर्कआउट करता है। व्हाट इट अंडरस्टैंड। थर्ड जो एविडेंस आता है, दैट आर टू एविडेंसेस। थर्ड एविडेंसेस हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब होता है जिनकी बेसिक बॉडी डिजाइन सेम हो। थर्ड एविडेंस जो अपने को मिलता है, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस। थर्ड वन इज होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स। इन होमोलोगस ऑर्गन्स की प्रेजेंस भी ये शो करती है कि दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डेवलप्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। व्हाट इट एंड फोर्थ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अपन कंसिडर करते हैं, अपन सिंपल बात करें तो यूनिसेल्यूलर से अपन बात करते हैं किसका डेवलपमेंट, मल्टी सेल्यूलर, और मल्टी सेल्यूलर में चलते चलते कहां तक पहुंचते हैं अपन, ह्यूमन तक। तो क्लासिफिकेशन जो है ये भी इस चीज को प्रूव करता है कि यूनिसेल्यूलर से इस तरह से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से ही डेवलप हो सकते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एग्जाम्पल्स कंफर्म द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवन आवर स्पिरिचुअल बिलीव्स, जो हमारी स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं हिंदू कल्चर में या जो और कल्चर्स में जो बिलीव्स हैं, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन बात करें इन हिंदू कल्चर, वी बिलीव दैट बिफोर टेकिंग द ह्यूमन बर्थ, ए सोल टेक्स बर्थ इनटू 84 लाख डिफरेंट फॉर्म्स, जिसको अपन बोलते हैं योनि। 84 लाख जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके अंदर बर्थ करता है, और उसके बाद उसको ह्यूमन लाइफ मिलती है। गॉट इट। तो ये भी एक एविडेंस है, हालांकि वो साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन दैट इज ऑल्सो एन एविडेंस विच इज प्रूविंग दैट इन नेचर द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। किससे मिलकर बने हैं वो, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से वो डेवलप हुए हैं। गॉट इट अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड इट।